अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर एक बेकाबू कार फुटपाथ पर चल रहे लोगों पर चढ़ गई। इस हादसे में एक 18 साल की लड़की की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए हैं। कार चला रहे शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, जिसने नशे में होने की बात कबूल की है। हालांकि न्यूयॉर्क पुलिस ने आतंकी हमले से इनकार किया है। कार चलाने वाले शख्स की पहचान 26 साल के रिचर्ड के रूप में हुई है और वो पहले भी 2 बार नशे की हालत में गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ ये बड़ा हादसा